जिंदगी का मकसद है, पोतरे का विआह वेखना है, दोतरिया का वेखना है, एक कोठी बनानी, एक प्लाट बना है। सात बिन मुआज जब तीर लग गया ना तो सात बिन मुआज दुआ करना, जो 33 साल उम्र सी 70 साल भी होवे हुजूर दे दीन दा काम ना कीता, चिट्टी दाढ़ी लैके तू कबर की कहेगा मैं पोतरे दे विआह वेख के आया। पर मैं जो मेरे खाके बनते रहा, बाबा तू अंदर बैठा रहा, मेरा बुढ़ा साहबी 86 साल उम्र हजरत अमर बिन मादी करब दी जंगे जरमू के चले गए। ऐसे बुढ़े सिर्फ हुजूर फिल्मा वेखने वास्ते रहे, बुढ़े साहबी नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम वो भी चले गए, कटे हुए हाथ ना हजरत अमर बिन तुफैल दौसी भी चले गए। कोई नहीं उजर कर सकेगा क्यामत वाले दिन कि जनाब मेरा ढिड दर्द सी तो मैं ता नहीं सी बाहर निकलिया। हाँ जी मैं बुजुर्गों नाल गल कर रहा, जब हुजूर दी इज्जत दी गल मरता है इंज भी जाना है सिस्त दे सिस्त दे इल्मुद्दीन को पूछो कि पीर जमात अली शाह साहब उन्हें पैर क्यों चुमे, बुढ़े सैयद होके पैर चुम देते सर। गल हुजूर दी एक काम इत्थे भी जो भी जमा तफरीक करके लियाओगे ना, दुनिया होवे या आखरत होवे अगे रसूलुल्लाह ही खड़े। हाँ जी अनस बिन मालिक हुजूर दी 10 साल खिदमत की थी, फरमाया अरस की थी हुजूर क्यामत वाले दिन तुहानू कित्थे तलाश करिए, फरमाया हौज़े कौसर ते मैं खड़ा होवां। अरस की थी अगर उत्थे मुलाकात ना होवे ते, फरमाया जिथे नामा अमाल तोले जा रहे होणगे। अरस की थी हुजूर उत्थे भी ना मिलो ते फिर, फरमाया फिर पुल सिरात ते मैं खड़ा होवां। नकदो हासिल हुजूर की जात है, क्यामत वाले दिन भी जिधर भी जाओगे ना अगे हुजूर ही खड़े होने।